नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर कल पूर्व विधायक बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल 2 बजे सदस्यता लेंगे पूर्व विधायक। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कल 2 बजे सदस्यता ग्रहण करेंगे कई पूर्व विधायक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कल कई पूर्व विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल 2 बजे का यह कार्यक्रम रखा गया है और इस दौरान आपको बता दें कि कई पूर्व विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव है हरियाणा में और उसके बाद विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर अब बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है और राजनीतिक उठापटक भी इस दौरान तेज हो गई है। और इसी के चलते आपको बता दें कल कई पूर्व विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बड़ी इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बीजेपी में शामिल होंगे और अब कई पूर्व विधायक कल बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर गुरुग्राम में करीब 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई के शारजाह में जंगल सफारी के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें गुरुग्राम और नूह में सफारी पार्क बनने से अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी और हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना है। वहीं जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल शारजाह दौरे पर है, जहां पर जंगल सफारी का दौरा किया है और अब हरियाणा में भी विश्व के सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने को लेकर कवायद तेज हो गई है और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब हरियाणा में सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, जिससे प्रदेश में निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार में लिफ्ट देकर मारपीट करते हुए नकदी और मोबाइल छीनने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से वारदात में इस्तेमाल की गई कार, छीना गया मोबाइल और 20,000 रुपए नकदी बरामद की है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये टैक्सी चालक हैं और दिल्ली नोएडा गुरुग्राम में पहले भी करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। दिनांक 16/7/2022 को एक रमेश नामक व्यक्ति पाटिका चौक पे खड़ा था और उसको आगे जाना था, तो इतनी देर में एक गाड़ी आई जिसमें 3 लोग पहले से सवार थे और उनमें से एक आदमी मथुरा के लिए आवाज़ लगा रहा था, तो वो उस गाड़ी में सवार हो गया और उसके बैठते ही उन्होंने तुरंत यू टर्न लेके और उसको एसपीआर रोड पे गाड़ी को दौड़ा दिया और उसको बांध के मारपीट की, उसका हाथ मुंह बांध दिए गए और उससे जो उसके पास मोबाइल फोन और जो पैसे थे वो छीन लिए और उसके बाद गाड़ी से उसको धक्का दे दिया, जिसके संबंध में उसने शिकायत दी बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में और हमने उसमें केस रजिस्टर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम मानेसर द्वारा की गई और हमारी टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल व्यक्ति थे उन 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब। तो खबर गुरुग्राम से है, जहां आपको बता दें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों का पीछा करते हुए अवैध हथियार सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान गफ्फार और खैरुद्दीन के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने पूछताछ में गुरुग्राम, राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी सहित छीना झपटी करने
कि करीब एक दर्जन वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम से संबंधित धारा लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बाईस नौ 2022 को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 की टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पे सवार होके जा रहे हैं, अगर उनको काबू किया जाए तो उनमें काफ़ी वारदात मिल सकती हैं और उनसे हथियार भी बरामद हो सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार लोगों की अब पीछा किया और भागन की के पास उनको गिरफ्तार काबू करके और उनकी तलाशी ली गई, जिसमें उनसे एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद। तो थाना पटौदी के राजपुरा गांव के पास बीते दिन एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम, सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट और एफएसएल की टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष थी और कमीज पर काफी खून लगा हुआ था, पास में एक चाकू भी पड़ा हुआ था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को जल्द सुलझाने के लिए क्राइम की टीम लगाई गई और कड़ी मेहनत के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए अपहरण करने, धमकी देकर 9 लाख रुपए लूटने और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि आसाम निवासी कृष्ण ने अपने एक साथी आसिम बनर्जी के साथ मिलकर योजना बनाई थी कि रेवाड़ी में एक फूड ज्वाइंट चलाने वाले एक दुकानदार को अपहरण कर और लूट कर हत्या कर दिया। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों ने मृतक से छीनी गई गोल्ड चेन और अंगूठी भी बरामद की है। पास उसको अपहरण करके और उसके दोस्तों से 9 लाख रुपए भी मंगा के अपहरणकर्ताओं ने वो पैसे भी लूट लिए और उसके एक गले की चेन, एक अंगूठी और उसकी गाड़ी को भी वो लेके गए हैं, जिसके संबंध में आगे हमारे CIA फर्रुखनगर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी सुराग नहीं चल पा रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए क्राइम फर्रुखनगर ने उसमें जो शामिल 2 आरोपी थे जिनकी पहचान कृष्ण कुमार व आसिम बनर्जी के रूप में हुई, उनको वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खाद्य आपूर्ति विभाग गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने सूरत नगर फेज 2 गुरुग्राम में राशन डिपो पर छापेमार कार्रवाई की और सीएम फ्लाइंग के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि सूरत नगर गुरुग्राम में राशन डिपो पर डिपो धारक मनमानी कर रहा है और लोगों की शिकायतों के बाद भी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छापेमारी के दौरान वहां पर खड़े लोगों से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि डिपो धारक कई कई महीनों तक अनाज लोगों को नहीं देता है, जो लोगों के बयान भी अंकित किए गए हैं। वहां पर रखे गेहूं का स्टॉक भी कम पाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सही नहीं पाई जो कि अपने तोल से ज्यादा वजन दिखा रही है और डिपो धारक के पास लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई पर्ची यानी कि रसीद नहीं पाई गई है। मौके पर 5,888 रुपए नकद बरामद हुए हैं जो लोगों की POS मशीन पर अंगूठे लगवा कर लिए गए थे। तो वहीं कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई हैं और जिस पर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा डिपो संचालक के खिलाफ थाना राजेंद्र पार्क गुरुग्राम में मुकदमा अंकित कर कार्रवाई की गई है।
वहीं ओल्ड फरीदाबाद के रहने वाले भानुप्रिया परसार का इसरो में चयन हो गया है। भानुप्रिया परसार ने इसरो में चयनित होने पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सबसे पहले उनका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था और वो पिछले 3 साल से सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रही थी। तो वहीं अब वो इसरो में अपनी सेवाएं देंगी। भानुप्रिया परसार की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी की लहर है। हमारे फादर का जाना एक बहुत ही दर्दनाक था हमारे लिए, एक बहुत बड़ा सदमा था, बिकॉज उन्होंने पूरी फैमिली संभाल रखी थी। ही वॉज द बैकबोन ऑफ आर फैमिली। उसके बाद इसकी तैयारियां चल रही थी भानु की, काफ़ी चीज़ें उसने मतलब इसका एंड रिजल्ट्स भी था सब कुछ इसका। 2019 में जैसे इसका एग्ज़ाम था इसरो का, उसी टाइम फादर का देहांत हुआ। हमारी तरफ से बस इतना ही सपोर्ट रहा कि वी हैव नेवर फोर्स हर फॉर एनीथिंग, कि ऐसा नहीं था कि इसकी शादी करनी है करना। हमने ये कहा कि पहले जो तूने अपने जीवन में गोल्स अपने बना रखे हैं उन गोल्स को पूरा अचीव कर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनके पापा जी का सपना था और मेरी बेटी राम शंकर और इनके पापा जी हमेशा मेहनत करते रहे और तब मैं कह रही शादी में भेजो, कहीं नहीं बच्चे में पढ़ाओ, बस हमारे पास यही पूंजी है, हमारे बच्चे पढ़ गए तो सब कुछ मिल गया हमें। 20 में इसका पेपर हुआ, 21 में इसका इंटरव्यू हुआ और अभी 22 में इसका रिजल्ट आया। तो एज ए इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हुआ और पोस्टिंग मेरी हैदराबाद में रहेगी। आई थिंक दैट इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, मैं हरियाणा की पोस्ट तो नहीं कह सकती अपने आपको, बट हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग इवन फॉर माई प्रीवियस डिपार्टमेंट। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हुड्डा कन्वेंशन हॉल में युवाओं के रोजगार के लिए रोजगार मेला लगाया गया। सिर्फ फरीदाबाद के करीब 1000 युवाओं ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन किया और इस रोजगार मेले में 40 कंपनियां मौजूद रहीं। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 58 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा है कि हर युवा को रोजगार मिले, उसी कड़ी में युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं आज युवा अपने स्किल के दम पर विदेशों में भी जाने जाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपने कार्यकाल में युवा को रोजगार नहीं दे पाए उनका काम है कि सिर्फ नकारात्मक फैलाना। देखिए हरियाणा रोजगार विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यहां फरीदाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हिंदुस्तान युवाओं का देश है, जहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम है, तो सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन उसके लिए जिस तरह की स्किल हो चाहिए उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बनाया। पूरे देश में बच्चों को इस तरह की हुनर की तालीम दी जा रही है, उनके लिए हजारों की संख्या में सेंटर खोले गए हैं जहां लोगों को स्किलिंग की जा रही है। और अब ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, रोजगार को सीमाओं में बांध के नहीं रखते। माननीय तो खबर पलवल से है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, जिसमें साफ हो गया है कि शिक्षा नीति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और बीजेपी सरकार पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस भ्रष्टाचार के तार सीधे सीएम हाउस से जुड़े हुए हैं। हरियाणा का कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें अध्यापकों की कमी ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार टीचर अध्यापक के बीच अंतर पता नहीं है। बीजेपी सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। सरकार ने पिछले 8 सालों में 498 स्कूलों को बंद करा दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश में
शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं रही। किसी स्कूल में टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 8 साल में इन्होंने 498 स्कूल बंद कर दिए। इसी 1 साल में 191 स्कूल इन्होंने मर्ज किए हैं, 105 अभी 1 महीने पहले किए हैं। वहीं सोनीपत में स्कूली छात्राएं रोडवेज बसों में लटककर सफर करने को मजबूर हैं। जोखिम भरी यात्रा का वीडियो भी सामने आया है। खानपुर रोड पर बस में कई किलोमीटर तक छात्राएं कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि बसों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे छात्राओं की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। तो वहीं हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर का कहना है कि बसें मुख्य रोड पर ही चलती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमने गर्ल्स स्पेशल के लिए 9 बसें चला रखी हैं। अगर फिर भी किसी रूट पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस रूट पर हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से गर्ल्स के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी जाती है। भाई साहब, अल्टीमेटली हर रूट पर ये दिक्कत है। लगभग बसें जितनी भी हैं वो मेन रूटों पे चलती है, और जितने भी लोकल रूट हैं गांव के, वे सभी गांव के रूट परेशान हैं। सारी सवारियां परेशान हैं, और हमारी बहन बेटियां दरवाजे में लटक करके अपने सोनीपत पढ़ने के लिए जाती हैं, जबकि कहने के लिए तो ये कहा गया है कि वो लड़कियों के लिए बस चला रखी है। लेकिन आप वीडियो में देख करके आप खुद जान जाओगे कि कितनी बस चल रही है, कैसे लड़कियाँ सोनीपत जाती है पढ़ने के लिए। तो वहीं बल्लभगढ़ से खबर है, जहां पर बाजारों में त्योहारों को लेकर बाजारों में लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि श्राद्धों में दुकानों पर खाली बैठना पड़ा, कोई भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे थे, जिसके चलते हमें दुकान पर काम करने वाले लोगों को सैलरी अपनी जेब से देनी पड़ रही थी। अब त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है, जिससे ग्राहक दुकानों पर आने लगे हैं और सामान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। पहले तो जैसे श्राद्ध थे, काम बहुत मंदे थे, लोगों की सैलरियां भी जेब से दी हैं। अब जो नवरात्रे आए हैं, दिवाली आ रही है, लोग अपने दुकानदार अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं, माल भी डर रहे हैं। अब देखो कितना काम निकलता है और कितना काम नहीं निकलता। सारे आस में तो बैठे हैं, काम बहुत निकलेगा, अब देखो कितना निकलते हैं। अभी तो श्राद्ध निमटे हैं, अब नौरते चालू हैं, अब पब्लिक के आने जाना बाजार में चालू होगा, दुकानदारी देखने को मिलेगी, अभी तो है ही नहीं। वहीं पलवल से खबर है, जहां पर पलवल में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नशा तस्कर के अवैध कब्जा करके बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान डीएम के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। साथ ही डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस अवैध रूप से अर्जित करने वाले अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रही है और पुलिस की कार्रवाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी श्रीपाल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। देखो ये जैसा कि आपने बताया कि श्रीपाल नाम की व्यक्ति कोई जमीन है यहाँ पर, और ये नगर परिषद एरिया में आती है, और नगर परिषद ही इसमें कार्रवाई करा रहा है, और मैं आज ड्यूटी में से की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ, और पुलिस साथ है, डीएसपी साहब भी हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है बिल्कुल सभी लोगों का कोई इस तरह से कोऑपरेशन है, और आप सब भी देख रहे हैं कोई इस तरह का कोई शांति भंग नहीं हुई है। और तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पानीपत के जीटी रोड पुलिस लाइन के गेट के सामने दो नकाबपोश बदमाशों ने एक फैक्ट्री कलेक्टर सुपरवाइजर से गन पॉइंट पर 17,39,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित सुपरवाइजर मशरौली के एक इंडस्ट्री में कलेक्शन कर वापस फैक्ट्री लौट रहा था, और वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला अभी पहुंचे हैं भाई, ये सुरजीत नाम का लड़का, इससे कुछ कैश छीन लिया दो लड़कियों ने मोटरसाइकिल पर आके, ये कपूर इंडस्ट्रीज से कैश ले गए, और संध रोड पे कोई फैक्ट्री है इसकी, इसके मालिक की, वहां जा रहा था रास्ते में, यहाँ डिमाणा मोड़ के पास इसने कंप्लेंट करी भाई मेरे से 17 लाख
39,000 का करीब रुपए छीन लिए। तो आपको बता दें कि पानीपत से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि दो नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि लगभग 17 लाख रुपए ये बदमाश एक कलेक्शन सुपरवाइजर से लूट के ले गए और फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही। तो वहीं पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो ये कलेक्शन सुपरवाइजर दिन भर का कलेक्शन करके लौट रहा था, उस दौरान पहले से बैठे अपराधियों ने उस पर शिकंजा कस लिया और फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो है करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया, जिसके लिए केंद्र से स्कूल के 2 ड्रोन मिले हैं और अब बागवानी विश्वविद्यालय किसान और युवाओं को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देगा। उप कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि इस केंद्र के शुरू होने से किसानों का कौशल विकास होगा, उन्हें बेहतर जानकारियां और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिसका लाभ सभी को होगा। तो वहीं विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार अधिकारी सत्येंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरा कार्य प्रणाली को बदल कर रख दिया है, वैसे ही आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। सर कारगर तो ये सिद्ध है नैनो यूरिया के लिए, मगर जो बाकी फसल से अब जीरी में मैं तेले की स्प्रे कराना चाहूँ तो कंपनी रिकमेंड कर रही है कि 100 से 150 और कई जैसे कंपनी होगी पैक्सलोन होगी वो 180 लीटर के आसपास स्प्रे की बात बता रहे हैं, मगर जो ड्रोन में इसमें 10 से 15 लीटर एक एकड़ में बता रहे हैं स्प्रे का। तो इस बारे में नॉलेज दी जाए कि कौन सी दवाई कौन सा फंगिसाइड जो इसमें यूज हो सके, कि मेरे मन में क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन या फंगिसाइड मैं यूज कर रहा हूँ अपने पास्ट में 180 लीटर पानी यूज हो रहा था वो 10 लीटर पानी में मेरे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने 2 ड्रोन खरीद लिए हैं और ये दोनों ड्रोन किसानों को खेत पे डेमोंस्ट्रेशन पर्पज के लिए ही खरीदे गए हैं। कुछ हम इसमें अपने रिसर्च स्टाइल करेंगे, कुछ दवाइयाँ जो रिकमेंड नहीं की गई है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी कितनी डोज होनी चाहिए। देखिए मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी एक तो दवाई की एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है, स्प्रे एक साथ। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।